तो वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लड़की की जो कभी कभी अपने परसाइज भी पूछ लेते कि तेरे आंख मुंह नाक कान किधर है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ खुद को डार्क उमर की कुल देवी मानने वाले सेजल की। ओफो, किस कदर काली है। अब सेजल का ह्यूमर चाहे कितना भी डार्क हो, लेकिन काली कलूटी लोग फिर भी इसे ही बुलाएंगे। एक बार सेजल को देखकर रात को उसके मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगे, तो इसके मोहल्ले वालों के फट के हाथ में आ गई। उन्हें लगा कि कुत्ते साथ कोई छलावा देखकर भौंक रहे हैं, जिसे कि हम नहीं देख पा रहे हैं। सेजल के पास भी अनिल कपूर की तरह गायब होने वाली मिस्टर इंडिया वाली पावर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सेजल सिर्फ लाल लाइट में नहीं बल्कि हर लाइट में दिख जाती है। सेजल के बारे में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इसे काला जादू आता है, लेकिन नहीं, इसे सिर्फ जादू आता है, काला लोग इसे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं। सेजल बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेजल को बाकी लड़कियों की तरह धूप में निकलने से स्किन टैन हो जाने का डर बिल्कुल भी नहीं है। सेजल ने एक बार मछली और दूध गलती से साथ में खा लिया था, लेकिन इसकी स्किन पर सफेद के बजाय भूरे रंग के दाग निकले थे। सेजल की एक भैंस भी है जिससे कि सेजल बहुत प्यार करती है, और सेजल ने उसका नाम भी गुलाब रखा है, लेकिन उस भैंस ने सेजल का नाम कल्लो। सेजल ने एक बार अपने किचन में अपनी कढ़ाई में झांक कर देखा, और उसके बाद अपनी मम्मी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये कढ़ाई अंदर के साइड से किसने जला दी है। लेकिन सेजल के स्कूल वाले ने स्कूल ड्रेस में उससे एक उसकी पासपोर्ट साइज फोटो मंगवाई, लेकिन फोटो ले जाने के बाद स्कूल वाले ने कहा कि कलर फोटो चाहिए थी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। चले तू। खैर, मैं सेजल की स्किन कलर चाहे कितना भी मजाक उड़ा लूं, जबकि इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती है तो इसके माँ बाप की। नहीं, उन्हें कहा किसने कि तुम अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर कोयले की खान में दिहाड़ी करने जाओ। अरे अगर किसी चूने वोने की फैक्ट्री में जाते कम से कम चूना देखने के कुछ तो लक्षण आ जाते बच्चे में। अब सारे कोयले के लक्षण आ गए हैं। अरे भाई, खराब। इससे पहले कि सेजल के कुछ फैंस आकर मुझे रेसिस्ट बोले, अब नहीं आ रहा क्या तुम्हें डार्क ह्यूमर पसंद। इस कमेंट के बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पूछा कि तू मेरे लिए किस हद तक जा सकता है, और फिर ये डार्क है। नहीं मतलब पीरियड्स को इतने भद्दे तरीके से दिखाना, ये किसी लड़की को अपने डार्क ह्यूमर कैसे लग सकता है यार। अभी मैंने जो तुमने पीरियड्स के ऊपर चार जोक्स मार लेने, कसम से बता रहा हूँ लड़के हमारे खिलाफ साथ कैंडल मार्च निकाल लेगी। कसम से बता रहा हूँ, पहले के जमाने में सेक्स जैसी चीज ना कोई वल्गर कैटेगरी में नहीं आती थी, बल्कि वो जिंदगी की एक जरूरत मानी जाती थी। लेकिन जब से सेक्स की वजह से चिरांत बच्चे पैदा होने लगे, तो लोगों ने उसे वल्गर की कैटेगरी में डाल दिया। One thing I can say, ये unintentional cleavage दिखाते हैं उसे हम कहते हैं महिला, और जो intentionally दिखाते हैं उसे हम कहते हैं रंडी, और नाली दिखाना बंद करते बहन की लोटी घिन आती है। घिने की बात भी कौन कर रही है, जिसकी शक्ल दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के बगल से भी ज्यादा गंदी है। अब मुझे पता है यार कि मेरी ऐसी बातों का इस पर ना कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लड़की रोस्ट करने के नाम पर दूसरी लड़कियों को आर वर्ड बोल रही हो, उसकी दिमागी स्थिति क्या है मैं समझ सकता हूँ। नाली दिखाना बंद करते बहन की लोटी घिन आती है। नहीं, एक लड़की ऑडियंस के लिए अपनी क्लीवेज दिखा रही है तो इसे घिन आ रही है, और ये उसे आर वर्ड बोल रही है। तो चलो ठीक है, एक बार को हम मान लेते हैं कि शायद दीदी को इंस्टाग्राम पर वल्गर कंटेंट देखना पसंद नहीं होगा, तो इसलिए शायद उसे क्रिटिसाइज करने के लिए ये बातें बोली होंगी। अच्छा पता तूने अपनी लाइफ में सबसे क्रेजी चीज क्या की है। एक बार पता मैंने अपनी पीनट बटर लगा के अपनी कैट से चटवाई। है दीदी, तुम तो इंस्टाग्राम पर वल्गर कंटेंट के खिलाफ थी। नहीं, डार्क कॉमेडी की इस रफ कॉपी को कोई बताओ यार कि बेटी वल्गरिटी ना सिर्फ बॉडी पार्ट्स दिखाने से ही नहीं बल्कि हमारी बातें करने से भी फैलती है। वल्गरिटी को छुपाने के लिए ब्लर और बीप दो तरह की चीजें बनाई गई हैं। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल, आज एक लड़का का मैसेज आया उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ की उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। अगर इसकी ये बातें सुनकर या वीडियो देखकर जैसे ये डार्क कॉमेडी लग रही है या फिर जैसे हंसी आ रही है, तो भाई सच बताऊं यार इसके साथ तुम लोगों को भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में कॉमेडी के नाम पर सिर्फ वल्गर बात थी और अब्यूजिव लैंग्वेज थी। और यही नहीं, इसके प्रोफाइल तुम्हें और भी बहुत सी मैक्सिमम वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि कॉमेडी के नाम पर वल्गर से वल्गर बातें करती भी दिखेगी। कभी अपनी शक्ल देखी, एक साली काली नाटी बोनी। हाँ, मैं इतनी बोनी होगी तेरी माँ मुझे डिल्डो की तरह यूज कर सकती है, और उसने किया इसी वजह से मेरा कलर काला है। अगले टाइम मेरे से तो देखी ना तेरी मम्मी की जाऊंगी। और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी है साले, पहले तो पैदा कैसे हो गया, तेरी माँ डाली थी बीयर की बोतल डालने से पैदा हो गया। अब ये बातें करना इसे लगता कि इसको कोई खास टैलेंट है। दीदी देखो, अगर वल्गर बातें बोलने या सोचने का कंपटीशन किया जाए ना, तो शायद आपसे मैं दो कदम आगे ही निकलूंगा, और मैं ही नहीं बल्कि सारे लड़के, क्योंकि असली चीजें इमेजिन करने में इतिहास गवाह है कि लड़कों का कोई तोड़ नहीं है। जलवा है हमारा। जो ये सो कॉल्ड कंटेंट बना रही है इसे कोई डार्क कॉमेडी नहीं बल्कि वल्गर या फिर अब्यूजिव कंटेंट बोलते हैं। लेकिन नहीं, अब देखो यार, डार्क कॉमेडी ना दो टाइप की हो सकती है। पहले तो वही जो तुमने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखी, मतलब कि जिसमें कि हम सामने वाले किसी इंसान की किसी इनसिक्योरिटी का मजाक बनाते हैं, जैसे कि बॉडी शेमिंग करना हो गया, किसी के स्किन कलर का मजाक उड़ाना हो गया। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है सामने वाले इंसान की सेंसिटिविटी का, मतलब कि तुम्हारी उन बातों से सामने वाला इंसान कितना हर्ट हो रहा है, और कहीं वो इंसान तुम्हारी बातों की वजह से अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर डिमोटिवेट तो नहीं हो गया है। समझ रहे हो। खैर, वैसे ये लड़की कितनी सेंसिटिव है वो तो तुम्हें इसकी वीडियो में कई बातों से पता लग ही गया होगा, तो इसलिए इससे तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरी बातों से डिमोटिवेट हो।
खैर अब आती है दूसरे टाइप की डार्क कॉमेडी, जिसमें कि हम किसी बहुत ही सेंसिटिव या सीरियस टॉपिक को बहुत ही फनी वे में डिस्क्राइब करते हैं, जिसके एग्जांपल के लिए कि तुम समय रहना या मुनव्वर फारूकी के जोक सुन सकते हो। समझ में आ रहा है? अब इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है यार, वो यही है कि हम डार्क कॉमेडी और वल्गर कॉन्टेंट में फर्क कर सकें, क्योंकि डार्क कॉमेडी एक बार को टैलेंट भी हो सकती है और एक्सेप्टेबल भी हो सकती है, लेकिन शायद इस तरीके का अब्यूसिव कॉन्टेंट नहीं। बात तो सही है। खैर तो अब अगर तुम लोग मेरी बातों को समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी जरूर से कर देना। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया, कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, कहता ये देखिए। ये भी इसका डार्क ह्यूमर है। ठीक है, फिर जब इसे ही डार्क ह्यूमर और वर्ग में फर्क समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम क्यों समझें? अगर सीरियल जो अपनी वीडियो में होते हुए दिखाया, ये उसके साथ गलती से हो गया था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने एक बार जिद करी कि बेबी आज हम लाइट बंद करके करेंगे, और बस फिर अंधेरा होता ही सेजल गायब हो गई और उसने भी अंधेरे में तीर चला दिया और तीर गलत निशाने पे लग गया। अब सेजल और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज्यादा वल्गरिटी फैलाते हैं। मतलब ये दोनों इतने वल्गर हैं, इन दोनों की रिलेशनशिप की स्टार्ट भी बायोलॉजी के ग्रुप स्टडी से हुई थी।